नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है, मुंबई की आग एक बार फिर से भड़क गई है। जी हां, पिछले 12 घंटों से लगातार आग धधक रही है। भांडुप इलाके में ड्रीम मॉल में ये भीषण आग लगी थी रात करीब 11:30 बजे, लेकिन एक बार फिर से आग भड़क गई है। आपको बता दूं कि रात 11:30 बजे से ही फायर ब्रिगेड वहां पर मौजूद है। तमाम गाड़ियां हैं जो आग पर काबू करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी अभी ये आग और ज्यादा बढ़ गई। ड्रीम मॉल के अंदर कोरोना का अस्पताल बनाया गया है, जिस अस्पताल में आग लगी है और जिस समय आग लगी वहां 76 मरीजों का इलाज चल रहा था। आग से पुलिस ने 2 लोगों की मौत की पुष्टि की है, लेकिन अस्पताल से अभी अभी कुछ और भी लोगों के शव निकाले गए हैं। मरने वालों की संख्या 9 से ज्यादा पहुंच गई है। मॉल के अंदर के अस्पताल से मरीजों को निकाला गया है, मरीजों को नजदीक के कोरोना अस्पताल में भर्ती कराया गया। आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी है। वहीं सीएम उद्धव ठाकरे ने जांच के आदेश दे दिए हैं। फिलहाल आग का कारण क्या है ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इस अग्निकांड में करीब 9 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। वहीं कई लोग ऐसे हैं जो गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल ये मॉल है, मॉल के अंदर कोविड का अस्पताल बनाया गया है, जिसमें 76 मरीज वहां पर थे और 76 मरीजों में से करीब करीब 10 लोगों की जान चली गई है। और अगर बात की जाए बाकी मरीजों की, तो उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है, यानी कि सुरक्षित जो अस्पताल है वहां पर भेजा गया है। सीएम उद्धव ठाकरे ने जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन सवाल यह है कि मॉल के अंदर अस्पताल क्यों खोला गया था और जब वहां आग लगी, क्या वहां पर आग बुझाने की कोशिश नहीं की गई थी या फिर आग बुझाने के जो उपकरण थे वो वहां पर नहीं थे, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल देखना होगा कि जब जांच होगी तो क्या कुछ चीजें साफ हो पाती हैं। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।